भारत और चीन के बीच लंबे समय से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को दोनों देशों की फौज में हुई झड़प के बाद से रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। दोनों देशों में मिलिट्री स्तर की कई बातचीत हुई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। हाल में SCO समिट से ठीक पहले गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे थे। हालांकि डेम चौक और देव सॉन्ग जैसे इलाकों में दोनों सेनाएं अब भी आमने सामने हैं। तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच चीन ने दावा किया है कि जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद बने हालात अब सामान्य हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन के राजदूत सन वई डोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत चीन के संबंधों पर अपनी बात रखी। चीनी राजदूत ने कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद से आपातकालीन प्रतिक्रिया का चरण अब मूल रूप से खत्म हो गया है और सीमा पर प्रतिबंधन और नियंत्रण कार्य पहले की तरह होने लगा है। चीनी राजदूत ने आगे कहा है कि चीनी पक्ष भारतीय पक्ष के साथ राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए आपसी संवाद बनाए रखने के लिए तैयार है, साथ ही बातचीत और सलाह मशवरा के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर से जुड़े मुद्दों का समाधान चाहता है। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन के मूल हितों से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभाल सकता है, जिसमें ताइवान से जुड़े सवाल और तिब्बत से संबंधित मुद्दे भी शामिल है। चीनी राजदूत के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हम चीन के साथ बेहतर संबंध तो चाहते हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। चीनी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस साल तीन बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जस्ट ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित कमांडरों पर UN सेंसेक को वीटो लगाकर रोका है। बीजिंग भारत को यह समझाने में असमर्थ रहा है कि वह इन आतंकवादियों को क्यों बचा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर UNGA के अपने संबोधन में दोहरे मानदंडों के लिए चीन की खिंचाई की थी। आपको कैसा लगा हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल के साथ।